यदि आप 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको पूरे 5 नंबर, ये मैं अश्योर कर रहा हूं। और जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज हम बात करने वाले इसमें फिलिप्स की, क्योंकि फिलिप्स 5 नंबर के आते हैं ज्यादातर बोर्ड में, कुछ बोर्ड में 10 नंबर के आते हैं। तो 5 नंबर तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके 5 नंबर पक्के हैं, 4 या 5 नंबर इस वीडियो के बाद। तो जिन लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ी है वो भी बिल्कुल 5 नंबर ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए बात करते हैं, पहला फिलिप्स आपके एग्जाम में ज्यादातर जो आता है वो कौन सा है। तो ये है भाई हमारे सामने, जैसे ही इज डैश MLA, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। यहां MLA की जगह NCC आ सकता है, BA आ सकता है, कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो याद रखना, करेंगे क्या हम लोग, यहां साउंड निकालेंगे किसकी, इस वाले वर्ड की। पहले तो आप ध्यान रखना कि सिंगुलर होना चाहिए ये और काउंटेबल होना चाहिए, तभी हम A और N लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो दो क्या करना है, साउंड निकालेंगे। साउंड यदि किसके, वॉवल की साउंड दे रहा हो, यदि साउंड क्या हो रहा, आ से आ की साउंड दे रहा हो तो हम लगाएंगे N, और यदि साउंड किसकी, क से ग के बीच की दे रहा है तो हम लगाएंगे A। बात यहां सबको समझ में आई, साउंड देखना है, ऐसा नहीं देखना किससे शुरू हो रहा है, साउंड किसकी आ रही है वो देखना है। वॉवल साउंड N, कॉन्सोनेंट साउंड A, तो यहां वॉवल साउंड आ रही है N, कैसे ए, यहां N, और यहां क्या आ रही है ब, तो यहां देखिए यहां ब आ रही है तो यहां क्या लग जाएगा ए, यहां एन आ रही है तो यहां क्या लग जाएगा एन, ए आ रही है देखो, और ए किसके बीच में आता, आ से आ के बीच में, समझ में आया, वॉवल साउंड एन, कॉन्सोनेंट साउंड ए। एक और है जो आपके एग्जाम में आर्टिकल में से ज्यादातर देखने को मिलता है, वो ये है कि डैश, ध्यान देंगे, डैश गंगा इज लॉन्गेस्ट, डैश गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर अगला है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है, ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्या डैश गंगा, डैश गंगा इज डैश, यहां भी डैश आएगा, यहां भी कई बार ज्यादातर एग्जाम में आता है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इन इंडिया, ये आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। अब हम यहां देखेंगे यहां क्या लगाए, यहां देखिए गंगा है, तो गंगा क्या है, नदी का नाम है, और जब भी कभी नदी, पर्वत, झरना आदि के नाम आते हैं, नाम ध्यान देखिए, रिवर आए उसमें ए और एन दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा, और लेकिन नाम आए तो दा लगेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, द गंगा इज। अब यहां सुपरलेटिव डिग्री आ गई, क्योंकि EST लगा है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, बेस्ट, स्मार्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सभी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे EST लगा हो या मोर या मोस्ट लगाओ, इस तरह मोस्ट लगाओ, जैसे मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ऐसे में हम दा का यूज करते हैं। बोलो दोनों क्लियर हुए, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अगला, ये दो हो गए आपके सामने, तीसरा देखिए, नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। अब तीसरा देखिए कौन सा है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है, वो है माय फ्रेंड, ध्यान देंगे, माय फ्रेंड लिव्स, माय फ्रेंड लिव्स डैश भोपाल, अक्सर ज्यादातर पेपर में आता है इसी तरह का, यहां भोपाल की जगह चेंज हो जाएगी, माय फ्रेंड की जगह कुछ और सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन आएगा इसी उसके कंसेप्ट पे। तो यहां भोपाल दिया हमें, और मैंने आपको दूसरे वीडियो में करवाया भी था, जिसमें मैंने प्रीपोजिशन वाला वीडियो, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, यश प्रीपोजिशन बाय यशपाल सर। अब यहां क्या हुआ, जगह का नाम आ गया, जगह का नाम आ गया, तो जगह के नाम के लिए यहां भरने को आ जाएगा इन लगाइए या एट लगाइए, तो यहां क्या हो रहा है, बड़ी जगह का नाम है, और बड़ी जगह के नाम के लिए हमेशा
इनका यूज करते हैं, और छोटी जगह का नाम हो या एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं हम, जैसे होम तो एट होम, एट रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, तो यहाँ एट का यूज करते हैं, छोटी बिल्डिंग हो या एग्जैक्ट किसी का एड्रेस हो तो एट लगाते हैं, यदि शहर का नाम हो, स्टेट का नाम हो, कंट्री का नाम हो तो इन लगाते हैं। बात यह सबको समझ में आ गई, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है वो है कि डैश गॉड ब्लेस, डैश गॉड ब्लेस यू। अब यहां ज्यादातर पेपर में आता है, यहां लगाने को आ जाता है कि कैन लगाइए या मे लगाइए या माइट लगाइए, कुछ इस तरह से आ जाते हैं। तो याद रखना क्यों, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम दुआ देते हैं या बदुआ देते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनमें हमेशा स्टार्टिंग में क्या लगता है, मे लगता है। तो यहां आपका जो सही है वो है मे, तो यहां मे आपको देखने को मिलेगा। बात सबको समझ में आई, नोट कर लीजिए, ये दोनों आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं वही ज्यादातर क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक और है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है वो है प्रीफर, ध्यान देंगे, ये ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है, जैसे ही प्रीफर्स मिल्क डैश टी, ही प्रीफर कॉफी डैश टी, कुछ भी इस तरह से आ जाएगा, लेकिन आएगा इसी तरह का। तो याद रखेंगे यहां भरने को आ जाएगा टू लगाइए, ऑफ लगाइए या फ्रॉम लगाइए, या कुछ इस तरह से तीन प्रीपोजिशन दिए होते। तो आप याद रखना कि प्रीफर कभी भी आए, जूनियर कभी भी आए, ध्यान देंगे, सीनियर कभी भी आए, तो ऐसे में हम सभी के साथ यहां क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहां भी क्या लग जाएगा, यहां टू का यूज हो जाएगा, तो ही प्रीफर्स मिल्क टू टी, इस तरह से बन जाएगा। ये अक्सर 10th हो 12th हो आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में, अभी आपने जैसे सैंपल पेपर लगा रहे होंगे, तो आप लोग ध्यान रखना प्रीफर के बाद, जूनियर के बाद, सीनियर के बाद, इंफीरियर के बाद क्या लगेगा, टू का यूज होगा। ये ऐसे यहां कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ER लगा है, और ER हमने सीखा है कंपेरेटिव डिग्री में लगता है, बेटर, बिगर, स्मॉलर, इसी तरह पे ये भी आते हैं, लेकिन ये क्या है, ये मीनिंग है, प्रीफर मतलब होता है पसंद करना, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हुआ तीनों, फिर बता रहा हूं मैं, यहां देखिए बड़ी जगह के नाम के पहले इन लगाते हैं, और छोटी जगह के नाम एग्जैक्ट लोकेशन की बात की हो एट लगाते हैं, और यदि हम किसी के लिए दुआ या बददुआ दे रहे हैं तो इसके लिए मे लगाते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है, और ये प्रीफर वाला, सीनियर जूनियर वाला भी आपको अक्सर पेपर में आता है, याद रखना टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके प्रीफर जूनियर सीनियर के बाद यहाँ टू का यूज किया जाता है। तो ये तीनों आप लोग लिख लीजिए, और लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए हमारे, 5 हो गए आपके। अगला है आपका 6th, नो सुनर, ध्यान देंगे ये भी अक्सर पेपर में आता है, नो सुनर डज सी कम, कुछ इस तरह से दिया रहता है, डैश आई स्टैंड अप, इस तरह से, नो सुनर डज सी कम डैश आई स्टैंड अप। अब यहां आपको खालिस्तान दिए होते हैं कि देन लगाइए बेटा, देन लगाइए ये वाला, या टू लगाइए या फ्रॉम लगाइए, कुछ इस तरह से आपको पेपर में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि नो सुनर के बाद, ये पेयर याद रखना, कुछ पेयर बता रहा हूं, और इन पेयर पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे, नो सुनर के बाद किसका पेयर बनता है, किससे, नो सुनर का देन से, तो यहां टी एच ए एन देन लग जाएगा, क्लियर हुआ। याद रखना टी एच ई एन देन का मतलब यहां इसके लिए लगता है या कंपेरिजन के लिए लगता है, और इस वाले देन का मतलब होता है तो या तब, क्लियर हुआ। अब इसी में याद रखना पेयर बता रहा हूं, जैसे नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से, नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से, आइदर का पेयर किससे बनता है, और से, आइदर का पेयर और से, हार्डली का पेयर किससे बनता है, हार्डली का पेयर बनता है वेन से, ठीक है, और आल्दो का पेयर किससे बनता है, आल्दो या दो, इनका बनता है यट से, तो इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पक्का जाता है। एक और है जो अक्सर एग्जाम में आता है, लेस्ट का पेयर किससे बनता है, सुड से बनता है, लेस्ट का पेयर किससे बनता है, सुड से बनता है,
एक और है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ का पेयर किससे बनता है बेटा, एंड से बनता है। बोथ का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। ये इतनी बात सबको समझ में आएगी, बोथ का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। क्लियर हुआ? तो ये ज्यादातर पेयर है कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनमें से अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। टू का पेयर टू से बनता है और सो का पेयर हमेशा दैट से बनता है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो एक क्वेश्चन ये आपका पक्का पेपर में आएगा, एक या दो नंबर का ये आपका हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। पेयर देखिए, नो सुनर का, बोलिए नो सुनर का देन से, आइदर का और से, नाइदर का नॉर से, और आल्दो का येट से, वेदर का और से बनता है, लेस्ट का सुड से बनता है, बोथ का एंड से बनता है, टू का टू से बनता है, सो का दैट से बनता है। याद हुआ? लिख लो, पेयर याद होने चाहिए सबको, सभी को पेयर याद होने चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, सातवां क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है वो क्या है, समझते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा, ये भी अक्सर पेपर में आता है। सी डाइड डैश टीबी, कोई भी बीमारी दे देंगे, वो मर गई बीमारी से। अब बीमारी से मर गई तो यहां आ जाता है कि ऑफ लगाइए या देन लगाइए या फ्रॉम लगाइए या बाय लगाइए, कुछ ऐसे हमने चार ऑप्शन दिए हैं, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं। तो यहां देखिए, सी डाइड डैश टीबी, बीमारी से मर गई। और जब भी कोई, याद रखना, बीमारी से मर जाए तो यहां हमेशा ऑफ का यूज करते, कौन सा लगेगा, ऑफ, ओ एफ, ठीक है। हां, कोई बीमारी से पीड़ित हो, बीमारी अभी चल रही है उससे मतलब कष्ट सह रहा है, वो दुखी है, तो फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तब क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो यहां क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, फ्रॉम लगाते हैं यदि वो बीमारी से पीड़ित होता। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम टीवी, मतलब अभी क्या है, मतलब टीवी है उसको अभी तत्काल में। तो यहां याद रखना आप लोग, ये बात क्लियर हुई, पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वैसे मैं इंपॉर्टेंट बताता नहीं हूं ज्यादातर, आज बता रहा हूं क्योंकि पेपर का टाइम है, अब आपके पेपर आने ही वाले हैं। आई हैव बिन टीचिंग इन ग्वालियर, आई हैव बिन टीचिंग इन ग्वालियर डैश 10 ईयर, सच्ची बात है ये। हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं, आई हैव बिन टीचिंग इन ग्वालियर, मैं ग्वालियर में पढ़ा रहा हूं, किसने, 10 सालों से। अब 10 सालों से यहां पेपर में आ जाता है कि क्या लगाइए भाई, सिंस लगाइए या फॉर लगाइए, ये भी पेपर में आता है ज्यादातर। सिंस और फॉर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 ईयर्स दिया है पीरियड ऑफ टाइम, यदि पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे। यहां क्या हुआ, यदि ऐसा होता सुबह शाम कल परसों तो हम सिंस का यूज करते, लेकिन 10 ईयर्स से बेटा, तो 10 ईयर्स क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहां हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स। तो बोलो, सिंस या फॉर का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि नहीं, पक्का पेपर में आएगा। जब पेपर में बैठे होंगे ना तो मुझे याद करोगे, वाओ सर ने बताया था पेपर में आएगा और आया है। क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बात, इस बात का, सिंस या फॉर, ये लगता है फिक्स टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे, मंडे, ये हम इनमें लगाते हैं सिंस, और फॉर लगाते हैं बेटा जब क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे 20 डेज, 10 डेज, 20 डेज, इस तरह से 20 ईयर्स। तो यहां फॉर का यूज देखने को मिलेगा। सबको समझ में आया, अच्छे से नोट कर लिया, कर लेना नोट, ठीक है, सिंस या फॉर का। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए, 8 में से ये 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। अभी 2 और है, टेंशन ला लो, 10 के 10 देंगे आज, आज 10 के 10 आपको देके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आई हैव डैश वाटर फॉर यू, मेरे पास कुछ पानी है तुम्हारे लिए। अब ये भी एग्जाम में ज्यादातर पेपर में देखने को मिलता है। एक और है इसी के ही जैसा, इसी का भाई, कि ही हैज नॉट डैश, ही हैज नॉट डैश फूड
फॉर ईटिंग, खाने के लिए उसके पास क्या नहीं है, भोजन नहीं है। यहां आ जाता है कि क्या लगाइए, ऊपर आ जाएगा आपके एग्जाम में कि क्या लगाइए, मच या मैनी में से एक चीज, मच या मैनी में से एक चीज, मच या मैनी में से एक चीज, और नीचे आ जाएगा सम और एनी में से एक चीज। ये ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहां पहले हम मच और मैनी की बात करते हैं, आप लोग भी कमेंट में करते चले, लिखते चले क्या लगता है आपको। मच और मैनी में देखिए यहां आई हैव डैश वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल है, और जब भी अनकाउंटेबल चीजों की क्या लगाएंगे, मच लगाते हैं, और काउंटेबल चीजों की मैनी लगाते हैं। अनकाउंटेबल मच और काउंटेबल के लिए मैनी, बुक्स होगी मैनी बुक्स, फ्रेंड होंगे मैनी फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, स्टूडेंट होंगे तो मैनी स्टूडेंट्स, स्टूल होंगे तो मैनी स्टूल्स, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यदि वाटर मिल्क या नॉलेज या कुछ भी इस तरह की चीज होगी तो यहां मच का यूज होगा। आई थिंक अब तो सबको भूलेगा नहीं, ही हैज नॉट डैश फूड फॉर ईटिंग। अब यहां ये भी पेपर में आता है सम और एनी, तो याद रखेंगे सम लगाते हैं पॉजिटिव या पॉजिटिव्स वाले सेंटेंस में, या जिनमें रिक्वेस्ट की बात की जा रही है उन सेंटेंसेस में, और एनी लगाते हैं बेटा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहां नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लगा है, तो नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, एनी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एनी। बोलो क्लियर हुआ, पक्का, अच्छे से नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, पक्का पेपर में आएंगे आप लोगों के। तो मैंने आज ये 10 क्वेश्चन लिए आप लोगों के, जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आप अभी के अभी परीक्षा देने उठा के देख लीजिए, या कोई भी आपके पास सैंपल पेपर है उसको उठा के लीजिए, कई क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आप लोगों को। और यदि ये नहीं आएंगे तो इनके ही जैसे, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, दोबारा इस वीडियो को देख लेना, और दोस्तों को भेजना तो भूलना ही नहीं, अभी कभी पहले भेज लो, शेयर करो मेरे सामने, शेयर करो, शेयर पे जाओ, और ग्रुप्स में जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है, दोस्तों के ग्रुप है, वो आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि भाई वीडियो का फायदा औरों को भी हो। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी वाला बटन भी दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बेल बटन दबाओ, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसको दबा देना, समझते हो ना, बहुत होशियार है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में डू एज डायरेक्ट के साथ, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।